Hello, Anjana ma'am. Hope you are doing well in your life. I'm very happy. Thank you so much. आज ये वीडियो आपके कहने पे बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ. सो पहले से मैं स्टार्ट करती हूँ. आपने मेरे को पढ़ना लिखना सिखाया, राइट? बेसिकली हमें पता ही नहीं होता है कि हमें लाइफ में क्या चाहिए होता है. हम दूसरों के कहने पे ही चलते हैं, जैसे कि पेरेंट्स हो गए, सास ससुर हो गए, हस्बैंड हो गए, फिर बच्चे हो गए, तो उन्हीं की लाइफ से, वो जो कहते हैं, वो जो करते हैं, उन्हीं को सुनते हुए आगे जाते हैं. कभी अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है. तो एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव माइंड चेंज आपने किया. जैसे जैसे आपको फॉलो करती गई, मेरा माइंड एकदम क्लियर होता गया और मैं आज एक अलग ही लड़की हूँ कि पहले मतलब एकदम सोचने वाली, हमेशा सोचती रहती थी कल क्या होगा, पहले ऐसा क्यों हुआ था. तो हर कोई ऐसे ही चाहता होता है कि अपनी लाइफ ऐसी ही है, ऐसे ही जीना है, क्योंकि हमें बचपन से ही सिखाया था. पर कहीं ना कहीं मेरी मुझे भी था कि मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, पर कर नहीं सकती थी. जब से आप हमारी लाइफ में आए तो मतलब एकदम मैजिकल वाला लाइफ हो गया कि ऐसे भी हो सकता है, वो वाली एक माइंडसेट हो गई. अच्छा, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से ऐसा होता है. तो मैजिक तो एवरीडे मेरी लाइफ में होते हैं. मैं पहले $3,000 में जॉब करती थी, मतलब $3,000 ही घर में आते थे. और आज मुझे पता नहीं है मेरी वेल्थ कितनी बढ़ चुकी है. और ये सब कुछ आपसे कनेक्ट होने के बाद ही हुआ है. आपने हमें बहुत कुछ सिखाया, बहुत माइंड चेंज, मेरा पूरी माइंड मेरा चेंज कर दिया. कभी ब्रांड के बारे में सोचते नहीं थे, ब्रांड पहनना शुरू किया. जैसे जैसे ब्रांड पहनना शुरू किया, वैसे वैसे पैसे और आते गए. कभी सोचते ही नहीं थे कि ऐसे ब्रांड पहनने से पैसे आएंगे. अरे हाँ, आते हैं. पर कोई सिखाने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए. जैसे जैसे आप करते गए थे, वैसे वैसे मैं भी करती गई. ग्रेटिट्यूड वॉक और मेडिटेशन जब से आपने बताया है, तब से मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया है. मैं पहले कभी जल्दी नहीं उठती थी, आपके बताने के बाद मैं जल्दी उठने लगी. पहले मुझे नींद इतनी आती थी, अब मुझे नींद भी इतनी नहीं आती है. एक बार करोड़ों की बातों में वेबिनार में आपने हमसे लिखवाया था, तो मैंने लिखा था और आपने बोला था लास्ट में कि इट्स डन. तो तब जैसे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, पर आज जब वो चीज़ लिखी हुई हो गई तो मुझे रियलाइज़ होता है, ओ माय गॉड, ये भी हो सकता है. तो मैम, मैंने क्या लिखा था कि माय लाइफ इज़ इजी एंड एफर्टलेसली, राइट, जो आप बताते हो. तो उसमें था कि इजी एंड एफर्टलेसली. तो आज क्या हो गया है कि मुझे मेरी शॉप पे, मैं जाऊँ तो भी ठीक, ना जाऊँ तो भी ठीक, और मुझे काम करना है तो करूँ, ना करना है तो ना करूँ, मेरी मर्जी. खाना ऑर्डर करने का भी आपने हमें बताया, हम कभी खाना बाहर से ऑर्डर नहीं करते थे, हम घर पे ही बनाते थे. आपने हमें बताया जब मन नहीं है तो बाहर से ऑर्डर करो, तो हम बाहर से ऑर्डर करने लगे. तो मतलब लाइफ एकदम मैजिकल वाली हो गई. फिर मैंने लिखा था तब कि मेरे पास लग्जरियस कार है, और वो भी दो लग्जरियस कार. तो वो मैम, मैंने आपको पिक भेजी थी, वो आ चुकी है, वो मैंने कभी नहीं सोची थी. 1.5 लाख कैनेडियन डॉलर की कार लेना इज़ अ वेरी बिग ड्रीम. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. फिर मैंने लिखा था मेरे कनाडा में 5 हाउस है,
मैं तो सिर्फ एक घर के लिए आई थी आपके पास। मैंने ट्रिपल फाइव टाइम्स जितने बार लिखा है तब तब यूनिवर्स मेरे को घर देता गया। मैं घर बुक करती गई करती गई करती गई और आज मैंने 5 घर बुक कर लिए हैं। ये कभी नहीं सोचा था और इतनी जल्दी इतने शॉर्ट टाइम में और वो भी कनाडा के अंदर। आपने हमें बताया था कि पैसे कोई भी तरह से आते उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसको ग्रेटफुल कीजिए तो और आएंगे। तो बस मैं वही करती गई और पैसे पता नहीं कहाँ से कहाँ आने लगे। और फिर एक दिन तो हमारा विपासना की बातों में बात हुआ था कि मुझे और एक स्टोर ओपन करना है नेक्स्ट मंथ। तो आपने बोला था कि हो जाएगा और हमें पता नहीं था मेरे हस्बैंड ने